आशा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। इस समय निश्चित तौर पर योगी सरकार को बधाई देनी चाहिए, वे बधाई के पात्र हैं क्योंकि लोकतंत्र का नया अध्याय लिख रहे हैं। वह सिर्फ अगले चुनाव के लिए प्रस्तावित प्रधानमंत्री उम्मीदवार होने का ही दमखम नहीं रखते बल्कि तमाम तरह की परिभाषाओं को बदलने का दमखम भी उत्तर प्रदेश की सरकार दिखा रही है। हाथरस मामले में उन्होंने एक नई डेफिनेशन, नई परिभाषा गढ़ी है। यह परिभाषा है कि हाथरस में जो कुछ भी हुआ हो, इसके खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुए, वे एक बड़ी साजिश का हिस्सा थे। और इसकी फंडिंग भी कहां कहां से हो रही है, यह भी योगी सरकार को पता चल गया है। उन्हें बस यही नहीं पता चल पाया कि 14 सितंबर को जिस बालिका के साथ, जिस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार चार ठाकुर लड़कों ने किया था, उसकी क्रोनोलॉजी क्या है। वो ये नहीं समझ पाए कि अगर कुछ भी नहीं हुआ था तो उनकी खुद की पुलिस ने उन्हें क्यों गिरफ्तार किया था, उन्हें क्यों सामूहिक बलात्कार के धारा लगाते हुए गिरफ्तार किया गया था। और देखिए क्या यू टर्न होता है, किस तरह से परिदृश्य बदलता है, जिसकी आशंका हम लगातार जता रहे थे, बिल्कुल वैसे ही आज की तारीख में मीडिया इस जहरीली साजिश, मैं आपको एक अखबार की हेडिंग आपको पढ़ के सुनाती हूं। हाथरस को जातीय दंगों में जलाने की साजिश, एमनेस्टी कनेक्शन भी इस्लामिक देशों से थी जहरीली वेबसाइट की फंडिंग। यानी 14 सितंबर को जिस लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और 29 तारीख को जिसने देश की राजधानी में दम तोड़ा, 29 से लेकर आज यानी 5 अक्टूबर के बीच केंद्र में मोदी सरकार और राज्य में योगी सरकार, इन दोनों का जो कुशल प्रशासन है, इसके खिलाफ इतनी जल्दी साजिश भी हो गई, प्रदर्शन भी हो गए, सब कुछ हो गया। दरअसल पूरी कोशिश हो रही है कि जिस तरह से दिल्ली में जो सांप्रदायिक हिंसा हुई थी उसमें जो विक्टिम थे उन्हीं को अपराधी बनाने की पूरी साजिश गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में रची गई, ठीक वही पैटर्न पर उसी तरह से और उससे ज्यादा जल्दी योगी सरकार इस नई थ्योरी के साथ सामने आई है कि साजिश प्लान्ड थी, प्रदर्शन प्लान्ड थे। जबरदस्त बात यह है कि यहां पर कहीं भी एक लाइन में उन्हें इस बात की चिंता नहीं है, एक लाइन में भी वे इस बात का जिक्र नहीं करते कि पीड़िता के घर के पास ठाकुरों का जो जमावड़ा होता है, जो खुलेआम चुनौती देता है। आप देखिए, हम थोड़ा ही फुटेज आपको दिखाएंगे क्योंकि यह सोशल नेटवर्क पे बहुत चल रहा है। इस खुलेआम धमकी दे रहे हैं, खुलेआम जमा हो रहे हैं, खुलेआम पंचायत कर रहे हैं और वे खुलेआम बता रहे हैं कि अगर पीड़िता के परिवार ने सबक नहीं सीखा तो आने वाले दिन उनके लिए मुश्किल हो जाएंगे। वे खुलेआम भीम आर्मी के चंद्रशेखर को भी चुनौती दे रहे हैं कि तुम बाहर आओ, हम तुम्हें तुमसे निपटेंगे। यह सब चल रहा है जिस समय इस देश में अभी तक देश का संविधान लागू है, न्याय प्रणाली लागू है, अदालतें चल रही हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं वे जब कुछ नहीं देखना चाहती तब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस पूरे दौरान 14 से लेकर 26 सितंबर तक जब पीड़िता का इलाज चल रहा है, जब पीड़िता जिंदा है, ये सारे लोग जेल भेजे जाते हैं, कहीं भी आपने सुना कि ठाकुर समुदाय का खून खौलने लग गया, ठाकुर समुदाय ने प्रदर्शन किया, ठाकुर समुदाय को यह हिम्मत आई बाहर आने के लिए, टीका लगा के बाहर ललकारने के लिए कि हमारे बच्चे निर्दोष हैं? कहीं से भी कुछ नहीं होता, पूरे गांव में शांति रहती है। पूरा गांव जो पूरी प्रक्रिया चल रही है उसे बहुत ध्यान से देख रहा होता है। यानी 26 तारीख तक ही नहीं, 29 सितंबर तक, जब तक वह पीड़िता जिंदा थी, एक भी प्रदर्शन, एक भी मेमोरेंडम, एक भी सभा, एक भी बयान
का भी नहीं, चाहे वो भाजपा के नेता हो, पूर्व विधायक हो या दबंग जातियों के प्रतिनिधि हो, कोई नहीं देता इन आरोपियों के खिलाफ के समर्थन में। कहीं से भी कोई ची चपड़ कहीं नहीं होती है। और जैसे ही पीड़िता की मौत होती है, लाश जलाई जाती है उनकी, रात के अंधेरे में पुलिस के द्वारा लावारिस लाश के तौर पे जलाया जाता है उसको, और जैसे ही अगले दिन पुलिस प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी यह बयान देते हैं कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ, सीन चेंज हो जाता है। यह सारी दबंग जातियां फोर फ्रंट पर आ जाती हैं। इस तरह से हमें दिखाई देता है कि ये जो सारी दबंग जातियां हैं, ये जो खुलेआम जिस समय धारा 144 लगी हुई है, तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं को, पूर्व सांसदों को, मौजूदा सांसदों को गांव के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था, उस समय ये दबंग जातियां पंचायत करती हैं। 12-12 गांव के लोग इकट्ठा होते हैं, दबंग जातियां पीड़िता के घर के पास तक पहुंचती हैं। सब कुछ पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। आप देखिए वीडियो, हर जगह पुलिस मौजूद है, यानी पुलिस का संरक्षण इन दबंग जातियों के पंचायत को है। धारा 144 देश के बाकी लोगों के लिए है। इस तरह का कानून का राज योगी सरकार स्थापित कर रही है। हाथरस के जरिए पूरे प्रदेश को एक मैसेज दिया जा रहा है और कोशिश यह हो रही है कि सारे के सारे मामले को ध्रुवीकृत कर दिया जाए। ठाकुर बनाम वाल्मीकि, ठाकुर बनाम दलित, पूरा का पूरा अभियान चलाया जा रहा है। जो एक बर्बर हिंसा थी, जो एक बर्बर कृत्य था, जिसको संविधान के आधार पर सजा मिलनी चाहिए थी, सजा मिलनी चाहिए, वहां पर सारा का सारा मामला दो समुदायों के बीच टकराहट का पैदा कर दिया गया है। हाथरस में जो घटना हुई, इस पर मीडिया ने जिस तरह से शुरू में कवरेज दिखाई, अब निश्चित तौर पर उसकी तस्वीर बदली हुई है। अब वह दिखा रहा है कि किस तरह से भारत में प्रदर्शन करना, विरोध जताना, यहां तक कि सामूहिक बलात्कार की बर्बर घटना के खिलाफ विरोध जताना एक साजिश का हिस्सा हो सकता है, और वह भी साजिश ऐसी बहुमत वाली सरकार या ऐसी एनकाउंटर को राज बनाने वाली सरकार के खिलाफ हो रहा है। और सरकार को पहले कुछ नहीं पता चलता, अचानक वह वेबसाइट आती है। यहां पर मुझे लगता है कि पूरी की पूरी जो एक नई परिभाषा विकसित की गई है, वह लोकतंत्र के खात्मे की गारंटी करने के मकसद के साथ की गई है, जहां पर हो सकता है आने वाले दिनों में हमें प्रदर्शन करने वाले लोग, चाहे वो जंतर मंतर पर हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे हाथरस में हो, चाहे आगरा में हो, कहीं भी हो, इन सबको, किसी को भी कहीं से भी चुना जा सकता है कि वे इस साजिश का हिस्सा थे। इसका पुरजोर विरोध आज की तारीख में बेहद जरूरी है। जहां हम विरोध की बात कर रहे हैं, एक और बहुत जरूरी विरोध देश भर में देखा जा रहा है, उत्तर भारत में खास तौर से, चाहे वो मेरठ हो, गाजियाबाद हो, फिरोजाबाद हो, या फिर हरियाणा के कुछ शहर हो, राजस्थान के कुछ शहर हो, हर जगह हमें एक ही तर्ज पर सफाई कर्मचारी विरोध करते हुए, सड़कों पे उतरते हुए, हड़ताल पे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और हर जगह वे मांग सिर्फ और सिर्फ एक कर रहे हैं। उनकी मांग है कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वे मांग कर रहे हैं कि जो पीड़िता है उसकी गरिमा का ध्यान रखा जाए, उसके साथ बार बार बलात्कार ना किया जाए, पीड़िता के परिवार वालों को सुरक्षा दी जाए। ये सारे जो विरोध के स्वर हैं, ये बहुत ही अलग अलग ढंग से हो रहे हैं। कोई ऐसा नहीं कि सब एक साथ मिलकर विरोध कर रहे हों। जिसकी जहां, जिस नगर पालिका में जितनी स्थिति है, वे आप देखेंगे कि बकायदा पहले ज्ञापन देकर, अनाउंस करके हड़ताल पर जा रहे हैं। यानी इस समाज के भीतर गहरा आक्रोश है, और खास तौर से जिस तरह से इस मामले को जातिगत संघर्ष में तब्दील करने पे उत्तर प्रदेश की सरकार उतारू है, उससे ऐसा लगता है कि समाज के भीतर यह गहरी निराशा बैठती जा रही है कि पीड़िता को
न्याय तो नहीं ही मिलेगा, साथ ही शायद दलित लड़की होने के नाते, दलित परिवार का होने के नाते उसका बार बार और ज्यादा अपमान, तिरस्कार और अभद्रता उसके साथ जारी रहेगी। इस बारे में जितनी भी खबरें मिल पा रही हैं उन्हें जरूरी है एक समग्रता में देखना। इस बारे में हमने बात की दिल्ली में रेणु छाछर से, जो सफाई कर्मचारी आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। आइए देखते हैं रेणु इन प्रोटेस्ट के बारे में क्या बता रही हैं। देखिए, इसमें सबसे बड़ा एक पॉइंट ये आता है कि जब रेप हुआ उसके बाद चारों गिरफ्तारियां हो गई, लड़की हॉस्पिटल में थी, तब तक तो किसी भी ठाकुर ने या किसी भी उस समाज के लोगों ने कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, कोई कुछ नहीं बोला। लेकिन जैसे ही लड़की मर जाती है उसके बाद वो उसको उन लड़कों को निर्दोष बताना शुरू कर दिया, उन लोगों को बचाने की सारी कवायदें शुरू कर दी। तो इस तरह से तो उन लोगों ने एक अपनी मेजोरिटी बना ली, 11 गांवों की पंचायत बुला के तुरंत ही उस पर उन्होंने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए लग गए। और अभी अगर इस हत्या के ऊपर सही निर्देश नहीं लिए, सही डिसीजन नहीं लिया जाता और सही ढंग से कार्रवाई नहीं होती, तो ये आक्रोश जो हर शहर में, हर क्षेत्र में फैला हुआ है, जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं सफाई कर्मचारी के जो समाज के लोग हैं, तो ये अभी और बढ़ने वाला है। एक बहुत सीधी सीधी बात, सीधा सीधा सवाल आप तमाम लोगों से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो देखना चाहते हैं या जो बाहर पहुंचाना चाहते हैं, क्या आप भी वाकई ऐसा ही सोचते हैं जैसा भाजपा सोच रही है, जैसा भाजपा के नेता सोच रहे हैं, जैसा भाजपा के विधायक जो बलिया से हैं सुरेंद्र सिंह वह सोच रहे हैं? क्या आप भी अपनी बेटी के बारे में, अपने घर की महिला के बारे में, अपनी परिचित महिला के बारे में, किसी भी महिला के बारे में क्या आप यह सोचते हैं कि किसी भी महिला के साथ बलात्कार होने का मतलब है कि वह संस्कारी नहीं है? मन पे हाथ रख के सोचिएगा, यहां हाथरस भूल जाइए, क्योंकि यहां जो विधायक जी हैं यह खुलेआम बताते हैं कि बलात्कार को रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही जरिया है कि हम और आप अपनी बेटियों को और खुद को संस्कारी बनाएं। यानी पुरुष तो बलात्कारी है, वह मान रहे हैं कि वह बलात्कारी प्रवृत्ति के आदमी है, पुरुष को बलात्कार करने का अधिकार है, लेकिन यह औरत के ऊपर है और खास तौर से माता पिता के ऊपर है कि वह अपनी बच्ची को संस्कारी बनाता है कि नहीं। मुझे लगता है कि अगर वाकई आपके मन में खुद अपने घर की महिला, भारत की किसी नागरिक महिला या दुनिया की किसी महिला के लिए यह विचार है कि वह खुद अपने बलात्कार के लिए दोषी है और पुरुष का यह अधिकार है कि वह बलात्कार करे, तो शायद मुझे आपसे कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मैं आपको मनुष्य मानने से इनकार करती हूं। और शायद इस समय बेहद जरूरी है कि इस तरह के विधायकों को बताया जाए, उनका सोशल बायकॉट किया जाए, जहां भी वे जाएं उनसे पूछा जाए कि वह बलात्कार को क्या भाजपा एक दूसरे ढंग का नैरेटिव बिल्डअप करना चाह रही है, पुरुषों के अधिकार में तब्दील करना चाह रही है बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को? यह सवाल इस समय भाजपा के लिए सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए, क्योंकि अभी तक इस विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई कहीं से नहीं हुई है, भाजपा की कोई नेता खुलकर नहीं बोल पाई, एक शब्द नहीं बोला कि इन्होंने जो बात कही है वह घिनौनी है और वो डिसएग्री करती हैं इस बात से। मुझे लगता है कि हम सबको यह सोचना इस समय जरूरी है, क्योंकि हाथरस को आगे रखकर बहुत सी चीजें, बहुत से नैरेटिव बिल्ड करके बहुत सी चीजों का निपटारा करने पर योगी सरकार और भारतीय जनता पार्टी उतारू है। पहला यह कि वह बलात्कार को जस्टिफाई कर रही है, बता रही है कि बलात्कार अगर दबंग जाति के लोग करते हैं तो वह बलात्कार नहीं है।
पहला सीख जो उन्होंने दी है हाथरस से वह यह दी है, आरोपी जेल में उन्हीं की पुलिस ने पकड़ा है तब भी वह कह रहे हैं कि बलात्कार नहीं हुआ। दूसरी तरफ यह विधायक जो उत्तर प्रदेश के ही हैं, उनका कहना है कि बलात्कार तभी रुक सकता है जब माता पिता अपनी बच्चियों को संस्कारी बताएं। यह वह कह रहे हैं हाथरस के संदर्भ में। इतनी शर्मनाक बात बोलने के बाद भी उनका ओहदा वैसा का वैसा ही साबित है, यानी भारतीय जनता पार्टी यह मान रही है कि बलात्कार के लिए औरत खुद जिम्मेदार है। और तीसरी बहुत अहम चीज जो भाजपा करना चाह रही है कि वह किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने को क्रिमिनलाइज, अपराधीकरण कर रही है हमारी आवाज उठाने के अधिकार को। विरोध में स्वर जो उठ रहे हैं उनका क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है और यह शायद बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिग्नल है, संकेत है हमारे और आपके लिए। और खास तौर से बलात्कारी संस्कृति का जिस तरह से भरण पोषण हाथरस के बहाने हो रहा है, यह बतौर मैं एक महिला ही नहीं एक भारतीय नागरिक इस पे गहरी शर्मिंदगी महसूस करती हूं। शुक्रिया। You